हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं जो स्टेट लाइन क्लास ट्वेल्थ के लिए रिवीजन करा रहा हूँ, स्टेट लाइन उसका पार्ट टू बना रहा हूँ। और देखें स्टूडेंट्स, जितना इसमें पढ़ाया गया उतना ही अगर आप करके जाते हैं तो आई थिंक डैट विल बी सफिशेंट टू सॉल्व द क्वेश्चन। लेकिन एनसीईआरटी के क्वेश्चन और देख लीजिएगा आप, आरडी शर्मा वगैरह के क्वेश्चंस लगा लीजिएगा। अब मैं स्टूडेंट्स जो है वो एक देखें, स्क्यू लाइंस स्टूडेंट्स, स्क्यू लाइंस अगर कोई भी प्लेन पर, स्टूडेंट्स देखें मैंने लाइन ड्रॉ की है, जैसे मैंने एक लाइन यहाँ ड्रॉ की है और इस प्लेन पर मैंने ये लाइन ड्रॉ की है, तो ये स्टूडेंट्स देखें ये लाइन इन्हें प्रोड्यूस करें तो ये लाइन कहीं ना कहीं ज़रूर इंटरसेक्ट करेंगी, अगर एक ही प्लेन पर ड्रॉ की गई लाइन है और वो पैरेलल नहीं है तब। तो स्टूडेंट्स देखें, तो इनके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो जीरो होगा, और अगर दो लाइन इस प्रकार से हैं, देखें स्टूडेंट्स मैं एक यहाँ पर आपको देखें स्टूडेंट्स एक लाइन अगर यहाँ ड्रॉ की गई है, ये ड्रॉ की गई है इस प्लेन पर, और स्टूडेंट्स देखें एक लाइन इस प्लेन पर ड्रॉ की गई है, टॉप का जो प्लेन है उस पर ड्रॉ की गई है, ये ड्रॉ की गई है, और एक लाइन बॉटम के प्लेन पर ड्रॉ की गई है। तो ये लाइन, ये प्लेन पैरेलल होने की वजह से स्टूडेंट्स देखें ये लाइन कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। मैंने कह दिया ये लाइन है, ये प्लेन इस प्लेन के पैरेलल है, तो स्टूडेंट्स कभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। लेकिन इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाला जा सकता है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है स्टूडेंट्स देखें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ से इस पर अगर मैं क्या कर दूँ, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दूं, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो देखें स्टूडेंट्स, अब मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला लिख रहा हूँ, लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट कैसे किया जाएगा। तो स्क्यू लाइंस जो हैं वो आर दोज लाइंस विच lie on parallel planes, those lines drawn, स्टूडेंट कर देता हूँ, those lines which lie on parallel plane, किस पे lie कर रही है, parallel plane पर, will never intersect and their shortest distance will be unique। तो देखें स्टूडेंट्स, एक लाइन
इस प्लेन पर ड्रॉ की गई एक लाइन दूसरे प्लेन पर ड्रॉ की गई। जैसे मैंने ये एक प्लेन ले लिया, इस पर एक प्लेन ड्रॉ कर ली गई, ये एक और एक ये ड्रॉ कर ली गई दूसरे प्लेन पर। तो स्टूडेंट्स देखें, इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर मैं फाइंड आउट करने के लिए आपसे कहूँ, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्टूडेंट्स देखें, ये लाइन ले ली मैंने, ये लाइन स्टूडेंट्स देखें इस प्लेन पर लाई कर रही है, और ये लाइन दूसरे प्लेन पर, ये प्लेन और ये प्लेन पैरेलल प्लेन है। तो स्टूडेंट्स देखें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, देखें यहाँ से ये बाकी डिस्टेंस शॉर्टेस्ट नहीं हो सकते, सिर्फ एक ही डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्टूडेंट्स ये होगा, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें और इस लाइन सेगमेंट की लेंथ अगर फाइंड आउट कर लें तो वो क्या होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखें स्टूडेंट्स निकालते हैं, ज़्यादा डिटेल में आप आवश्यकता नहीं है जाने की। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला दे रहा हूँ पहले। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ स्क्यू लाइंस, स्टूडेंट्स देखें दो व्हेन लाइंस आर गिवन इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में गिवन है लाइंस, वेक्टर फॉर्म्स, तब देखें स्टूडेंट्स क्या फार्मूला होगा। तो स्टूडेंट्स फैक्टर है, जैसे लाइन की इक्वेशन ये है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वन वैक्टर प्लस लैम्डा बी वन वैक्टर, एंड आर टू वैक्टर इक्वल टू ए टू वैक्टर प्लस, स्टूडेंट्स देखें म्यू बी टू वेक्टर। ये स्टूडेंट्स लाइन है, ये क्या है, दोनों लाइंस हैं, स्क्यू लाइंस हैं, कैसी हैं, स्क्यू लाइंस हैं, मींस अलग अलग प्लेन में जो पैरेलल हैं उन पर लाई कर रही हैं। तो इनके बीच के डिस्टेंस के लिए स्टूडेंट्स देखें फार्मूला क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये स्टूडेंट्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एब्रीविएशन लिख दिया मैंने, इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी वन वैक्टर क्रॉस बी टू वैक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लूँगा मैं ए टू वैक्टर माइनस ए वन वैक्टर, और इसका मॉडुलस लेकर के बी वन वैक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ बी टू वैक्टर। तो स्टूडेंट्स देखें ये मेरे पास में क्या आ गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला आ गया। अब स्टूडेंट्स देखें अगर लाइन किस फॉर्म में दी हुई है, इफ लाइंस आर इन कार्टिजन फॉर्म, कार्टिजन फॉर्म, अगर लाइन कार्टिजन फॉर्म में है तो स्टूडेंट्स देखें लाइन किस तरीके से होंगी, जैसे मैंने कह दिया x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन, मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पर एल वन बाई माइनस बाई वन अपॉन एम वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन एन वन, एंड x माइनस एक्स टू अपॉन एल टू, बाई माइनस बाई टू अपॉन एम टू, जेड माइनस जेड टू अपॉन एन टू है। तो स्टूडेंट्स ये लाइंस हैं कार्टिजन फॉर्म में, लाइंस हैं ये स्क्यू लाइंस, कैसी लाइंस हैं, स्क्यू लाइंस हैं। तो स्टूडेंट्स देखें इस तरीके से दिया हो तो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए स्टूडेंट्स मैं यहाँ फार्मूला लिख दे रहा हूँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी, ये डिटर्मिनेंट है स्टूडेंट्स देखें, और डिटर्मिनेंट है x2 माइनस x1
x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। और स्टूडेंट्स देखें, L1, M1, N1, L2, M2, N2, ये डिटर्मिनेंट को स्टूडेंट सिंप्लीफाई करना होगा आपको। और इस डिटर्मिनेंट का ये मॉडुलस है, ये स्टूडेंट्स क्या है, ये मॉडुलस है, ये डिटर्मिनेंट को शो कर रहा है। ये ब्रैकेट जो हैं, ये लाइंस जो वर्टिकल हैं, वो किसके लिए, ये दोनों लाइन डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और ये वर्टिकल लाइंस कैसे रिप्रेजेंट कर रही हैं, मॉडुलस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ M1 N2 माइनस M1 M2 माइनस N2 N1 होल स्क्वायर प्लस N1 L2 N1 L2 माइनस N2 L1 होल स्क्वायर प्लस। स्टूडेंट्स देखें, N1 M2 N1 N1 M2 माइनस L2 M1 होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला अप्लाई करके क्या कर सकते हैं, हम शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, एक पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टूडेंट्स बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। देखें, नोटबुक और पेन लेकर के बैठिएगा, साथ साथ उतारते चलिएगा, और वीडियो देखने के बाद फिर से इन्हीं क्वेश्चंस को कीजिएगा, और उसके बाद एनसीईआरटी को करने बैठिए, आरडी शर्मा करिएगा, या जो भी बुक आपकी आपने की है वो उसे ट्राई कीजिएगा। तो देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, ये स्टूडेंट ने लिखा द लाइंस, कौन सी लाइंस है, आर वेक्टर इक्वल टू 1 - t आई कैरेट प्लस t - 2 जे कैरेट प्लस 3 - t के कैरेट एंड आर वेक्टर इक्वल टू s + 1 आई कैरेट प्लस 2s - 1 जे कैरेट माइनस 2s + 1 के कैरेट। ये स्टूडेंट्स फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, ये क्वेश्चन है, ये एग्जामिनेशन में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सोल्यूशन दे रहा हूँ स्टूडेंट्स। देखें तो यहाँ स्टूडेंट्स ये इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन क्या है, आर वेक्टर इक्वल टू 1 - t ऑफ आई कैरेट प्लस t - 2 ऑफ जे कैरेट प्लस 3 - t ऑफ के कैरेट, ये स्टूडेंट्स गिवन है मेरे लिए। तो देखें इसको मैं सिंपलीफाई कर लूँ, देखें ये t दिया हुआ, इसे ओपन कर लेता हूँ, i की मल्टीप्लाई की i कैरेट माइनस टी आई कैरेट प्लस, देखें स्टूडेंट्स टी जे कैरेट माइनस 2 जे कैरेट प्लस
थ्री के कैरेट माइनस टी के कैरेट। अब स्टूडेंट्स देखें, आई जे और ए के लेकर के मैं यहाँ माइनस टू जे प्लस थ्री के, ये स्टूडेंट्स मैंने ले लिया इसके लिए एक ब्रैकेट में। और यहाँ से देखें स्टूडेंट्स, इसे इसे और इसमें से मैंने टी कॉमन ले लिया प्लस का, तो यहाँ बचा स्टूडेंट्स देखें प्लस का ही कॉमन लेना है स्टूडेंट्स, माइनस आई कैरेट प्लस जे कैरेट एंड माइनस के कैरेट। ये स्टूडेंट्स इस प्रकार से एक इक्वेशन आ गई लाइन की अपनी एक्चुअल फॉर्म में, जो वेक्टर फॉर्म दिखाते हैं उसमें आ गई। तो स्टूडेंट्स देखें, अभी जो मैंने आपको लाइन की इक्वेशन लेकर के दिखाई थी, मैंने कहा आर वेक्टर इक्वल टू ए वन वैक्टर प्लस लैम्डा बी वन वैक्टर बोला था वहाँ पर मैंने, तो ये तो एक स्केलर था, यहाँ स्केलर लैम्डा के स्थान पर इन्होंने क्या यूज कर लिया है, टी ले लिया है, तो दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब मैं दूसरी लाइन ले रहा हूँ एंड स्टूडेंट्स देखें, दूसरी लाइन है ये आर वेक्टर इक्वल टू एस प्लस वन ऑफ आई कैरेट प्लस टू एस माइनस वन ऑफ जे कैरेट माइनस टू एस प्लस वन ऑफ के कैरेट। स्टूडेंट्स इस ब्रैकेट के लिए भी ओपन कर लेते हैं, एस आई कैरेट प्लस आई कैरेट प्लस देखें टू एस जे कैरेट माइनस जे कैरेट माइनस टू एस के कैरेट माइनस के कैरेट। यहाँ स्टूडेंट्स क्या करते हैं देखें, इसे इसे और इसे एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, आई कैरेट प्लस सॉरी माइनस है माइनस जे कैरेट माइनस के कैरेट, ये स्टूडेंट्स एक ब्रैकेट में ले लिए गए माइनस जे कैरेट। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स प्लस एस ही कॉमन लेंगे, प्लस ही साइन का कॉमन लेंगे, आई कैरेट बचा यहाँ से, यहाँ स्टूडेंट्स देखें टू जे कैरेट बचा और यहाँ स्टूडेंट्स देखें माइनस टू के कैरेट बचा। तो इस लाइन को स्टूडेंट्स देखें कैसे लिख, हमने कैसे ली थी अभी जब फॉर्मूला समझाया था, ए टू वैक्टर प्लस म्यू बी टू वैक्टर, म्यू स्केलर की जगह पर इन्होंने क्या कर लिया है, एस एक स्केलर ले लिया है। तो स्टूडेंट्स देखें इस प्रकार से क्या कर लेते हैं, अब जब हमारे पास में ये फॉर्म है आर वेक्टर इक्वल टू ए वन प्लस लैम्डा म्यू वन लैम्डा बी वन वेक्टर एंड आर वेक्टर इक्वल टू ए टू वेक्टर प्लस म्यू बी टू वेक्टर, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं इस लैम्डा को टी से रिप्लेस करके और इस म्यू को एस से रिप्लेस करके इन दोनों से क्या कर ले रहा हूँ, कंपेयर कर ले रहा हूँ, कंपेयरिंग फर्स्ट बाई किससे कंपेयर करें, इससे, ये स्टूडेंट्स रफ लिखा हुआ है, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वन वैक्टर प्लस टी बी वन वैक्टर एंड सेकेंड बाई किससे कंपेयर करें, आर वेक्टर इक्वल टू इससे प्लस ए टू वैक्टर प्लस एस बी टू वैक्टर। तो स्टूडेंट्स देखें फर्स्ट लाइन मेरे पास ये है, ये मेरे पास क्या हो गया, ए वन हो गया। स्टूडेंट्स मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ए वन वैक्टर मेरे पास क्या आया, आई कैरेट माइनस टू जे कैरेट प्लस थ्री के कैरेट, आई कैरेट माइनस टू जे कैरेट
प्लस 3k कैरेट। तो स्टूडेंट्स देखें, मैंने ए वेक्टर, ए वन वैक्टर लिख दिया, इस लाइन को कंपेयर किया किससे, इससे। तो ए वन वैक्टर ये हो गया। और स्टूडेंट्स देखें, टी का कोफिशेंट है बी वन वैक्टर और टी का कोफिशेंट है यहाँ ये, तो ये मेरे पास में बी वन वैक्टर हो गया, बी वन वैक्टर। और बी वन वैक्टर स्टूडेंट्स क्या हो गया, माइनस आई कैरेट प्लस जे कैरेट माइनस के कैरेट। ये स्टूडेंट्स दोनों वेक्टर मैंने उतार लिए। अब देखें, ये लाइन मेरे पास में क्या है, सेकंड लाइन है ये लाइन, इसे किससे कंपेयर कर लें, इससे इक्वेट कर लेते हैं। ए टू ये हो गया एंड ए टू वेक्टर क्या हो गया, आई कैरेट माइनस जे कैरेट, आई कैरेट माइनस जे कैरेट माइनस के कैरेट। तो आई कैरेट माइनस जे कैरेट माइनस के कैरेट, स्टूडेंट्स मैंने ये लिख लिया। और ये जो एस का कोफिशेंट है, देखिए एस का कोफिशेंट बी टू वैक्टर है, एस का कोफिशेंट ये आई कैरेट प्लस टू जे कैरेट माइनस टू के कैरेट, ये बी टू वैक्टर हो गया। बी टू वैक्टर इक्वल टू आई कैरेट प्लस टू जे कैरेट माइनस टू के कैरेट हो गया। ये हो गया स्टूडेंट्स, देखें मैंने कंपेयर कर लिया। अब स्टूडेंट्स मैं ऐसे रफ कर दे रहा हूँ, देखें अभी मैंने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए जब लाइंस की वेक्टर फॉर्म हो तो क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे वो अभी मैंने लिखा था। अब मैं सबसे पहले फार्मूला लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, देखें तो फार्मूला लिख रहा हूँ और फार्मूला लिख करके मैं उसमें अप्लाई कर दूँगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू, नीचे ले लेता हूँ थोड़ा सा स्टूडेंट्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू, यहाँ स्टूडेंट्स मॉडुलस है ये किसका, बी वन वैक्टर क्रॉस बी टू वैक्टर की डॉट प्रोडक्ट ली थी ए टू वैक्टर माइनस ए वन वैक्टर से, ए टू वैक्टर माइनस ए वन वैक्टर से इसका मॉडुलस ले लिया। और स्टूडेंट्स मॉडुलस है बी वन वैक्टर क्रॉस बी टू वैक्टर का। तो स्टूडेंट्स देखें, मुझे सबसे पहले बी वन वैक्टर क्रॉस बी टू वैक्टर चाहिए, तो बी वन वैक्टर ये है और बी टू वैक्टर ये है। तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ बी वन वैक्टर क्रॉस बी टू वैक्टर, बी वन वैक्टर क्रॉस बी टू वैक्टर। तो स्टूडेंट्स बी वन वैक्टर और बी टू वैक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट से निकाल रहे हैं, यहाँ पर निकालने का तरीका ये है, आई कैरेट जे कैरेट और के कैरेट लिख दीजिएगा। सबसे पहले बी वन वैक्टर है, तो बी वन वैक्टर के आई कैरेट का कोपिशेंट माइनस वन यहाँ लिख दीजिएगा, जे कैरेट का कोपिशेंट प्लस वन यहाँ लिख दीजिएगा और के कैरेट का कोपिशेंट स्टूडेंट्स माइनस वन यहाँ लिख दीजिएगा। और अब बी टू वैक्टर बाद में है, तो बी टू वैक्टर का आई का कोपिशेंट वन, जे का कोपिशेंट टू एंड के का कोपिशेंट माइनस टू ये यहाँ लिख दिए। अब स्टूडेंट्स देखें, आई कैरेट को स्टूडेंट्स इस ब्रैकेट के सर्कुलर ब्रैकेट के राइट में ही उतारिएगा, शुरू में ना उतारिएगा, क्योंकि कोई भी वेक्टर जब लिखते हैं जैसे टू आई कैरेट ये वेक्टर लिखा, कभी ऐसा लिखा हुआ आपने नहीं देखा होगा, आई टू ऐसा लिखा देखा, ऐसा लिखा नहीं देखा। तो यहाँ इस ब्रैकेट से तो मुझे क्या मिलेगी, मुझे स्केलर मिलेगा, एक मुझे एक नंबर मिलेगा। तो देखें स्टूडेंट्स इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, इसे कवर कर लिया, इसे कवर कर लिया, वन की माइनस टू से मल्टीप्लिकेशन, तो वन माइनस टू माइनस टू, माइनस साइन है फार्मूले में और टू माइनस वन इज माइनस टू, तो ये माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस हो जाएगा। माइनस फार्मूले में ही है, डिटर्मिनेंट सॉल्व की होगी आपने, जे कैरेट। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन, माइनस वन की माइनस टू से मल्टीप्लिकेशन की टू आई, माइनस फार्मूले में वन की माइनस वन से मल्टीप्लिकेशन की माइनस वन आई, तो ये माइनस
प्लस हो जाएगा प्लस। अब स्टूडेंट्स के कैरेट भी मैं कहाँ उतारूँ, यहाँ उतार लूँ राइट में। देखें स्टूडेंट्स के कैरेट के लिए ये मल्टीप्लिकेशन करें माइनस टू, माइनस फॉर्मूले में वन की इससे वन। तो स्टूडेंट्स देखें मैंने एक बार देख लेता हूँ फिर से सही किया, माइनस टू, माइनस टू आया और ये माइनस पहले से था प्लस हो गया, माइनस छः प्लस टू और ये माइनस वन आया और माइनस फार्मूले में होने की वजह से ये प्लस, के माइनस टू माइनस वन सही है स्टूडेंट्स। देखें ये मेरे पास जीरो आई कैरेट आया, माइनस थ्री जे कैरेट आया और ये स्टूडेंट्स माइनस थ्री के कैरेट आया। तो ये बी वन वैक्टर क्रॉस बी टू वैक्टर हो गया स्टूडेंट्स। बी वन वैक्टर क्रॉस बी टू वैक्टर के मॉडल्स की भी आवश्यकता है तो मैं मॉड भी निकाल लेता हूँ। बी वन वैक्टर क्रॉस बी टू वैक्टर का मॉड देखें स्टूडेंट्स, मॉड में आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये स्टूडेंट्स मेरे पास में नाइन आया, ये नाइन एटीन आया और ये टू रूट थ्री हो गया। तो मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें बी वन वैक्टर क्रॉस बी टू वैक्टर भी निकाल लिया और उसका मॉडलस भी निकाल लिया। तो ये मेरे पास में मॉडलस आ गया बी वन वैक्टर क्रॉस बी टू वैक्टर का और ये बी वन वैक्टर क्रॉस बी टू वैक्टर। अब स्टूडेंट्स देखें मेरे लिए क्या चाहिए, ए टू वैक्टर माइनस ए वन वैक्टर चाहिए, क्या चाहिए ए टू वैक्टर माइनस ए वन वैक्टर। तो स्टूडेंट्स देखें ए टू वैक्टर माइनस ए वन वैक्टर निकाल रहा हूँ मैं। ए टू वैक्टर स्टूडेंट्स मेरे पास क्या है, आई कैरेट माइनस जे कैरेट माइनस के कैरेट, आई कैरेट माइनस जे कैरेट माइनस के कैरेट, ये स्टूडेंट्स ए टू वैक्टर हो गया। और ए वन वैक्टर क्या है, ए वन वैक्टर आई कैरेट माइनस ए वन वैक्टर आई कैरेट माइनस टू जे कैरेट प्लस थ्री के कैरेट, ये स्टूडेंट्स मैंने यहाँ से ए वन वैक्टर और ए टू वैक्टर की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। स्टूडेंट्स देखें सिंप्लीफाई करते हैं, आई कैरेट इसे ब्रैकेट को ओपन किया माइनस आई, ये जीरो आई कैरेट हो गया, इसे माइनस जे कैरेट और ये प्लस टू जे कैरेट हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस जे कैरेट बचेगा, माइनस के और ये ब्रैकेट ओपन करने पर माइनस थ्री के तो ये माइनस फोर के कैरेट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखें ये मैंने ए टू वैक्टर माइनस ए वन वैक्टर भी कैलकुलेट कर लिया। अब स्टूडेंट्स इसे रफ कर दे रहा हूँ मैं, इसकी आवश्यकता खत्म हो गई। अब क्या कर रहे हैं, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर रहे हैं। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने से पहले स्टूडेंट्स मेरे लिए b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर से। तो देखें स्टूडेंट्स ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट ली a2 वेक्टर माइनस ए वन वैक्टर से। तो स्टूडेंट्स देखें बी वन वैक्टर क्रॉस बी टू वैक्टर, यहाँ स्टूडेंट्स मैंने रब कर दिया, यहाँ आवश्यकता पड़ रही है इसकी। ये देखें जे कैरेट और ये आया बी वन क्रॉस बी टू वैक्टर है स्टूडेंट्स मेरे पास। देखें बी वन वैक्टर क्रॉस बी टू वैक्टर इज दिस जीरो आई कैरेट माइनस थ्री जे कैरेट, ये है स्टूडेंट्स माइनस थ्री के कैरेट, ये स्टूडेंट्स मैंने वैल्यू उतार ली डॉट ए टू वैक्टर माइनस ए वन वैक्टर की वैल्यू जीरो आई कैरेट प्लस जे कैरेट
-4k कैरेट। तो स्टूडेंट्स मैंने कुछ नहीं किया यहाँ, तो सिर्फ सिंपली वैल्यूज पुट कर दिए इनकी। देखिए इसकी इससे डॉट प्रोडक्ट मेरे पास 0 आई, जे की इससे -3 आई, -3 की -12 से मेरे पास स्टूडेंट्स +12 आई। तो इस प्रकार से इसका सिंप्लीफिकेशन क्या हुआ, 9 हुआ स्टूडेंट्स। देखें ये 9 सॉल्व होकर के आया, तो कहीं एरर तो नहीं है, एक बार चेक कर लेता हूँ। इसकी मल्टीप्लिकेशन 0 -3 एंड ये -12, तो ये स्टूडेंट्स 9 आ गई। तो अब मैं वैल्यूज को पुट कर दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू ये वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 9 आ गई। मॉडुलस था यहाँ, ये मॉडुलस है, अपॉन मॉडुलस ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, मॉडुलस ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर इज 2√3। तो स्टूडेंट्स ये देखें 9/√3 क्या आ गई, ये सोल्यूशन आ गया स्टूडेंट्स। मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन का सॉल्व हो गया, और देख लीजिएगा कहीं कैलकुलेशन में अगर कोई एरर लगे तो कैलकुलेशन आप सही कर लीजिएगा, वैसे है नहीं एरर। मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से सही है ये क्वेश्चन, कैलकुलेशन देख लीजिएगा, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है। अब स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ईयर्स में आया है, वो मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ और इसे आप सॉल्व करना। फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन गिवन स्क्यू लाइंस, कौन कौन सी गिवन है, आर वेक्टर इक्वल टू जे कैरेट। अब यहाँ स्टूडेंट्स के नहीं दिया हुआ तो के 0k कैरेट ले लें, प्लस लैम्डा 2i कैरेट माइनस जे कैरेट प्लस के कैरेट एंड आर वेक्टर इक्वल टू 2i कैरेट प्लस जे कैरेट माइनस के कैरेट प्लस म्यू 3i कैरेट माइनस 5j कैरेट प्लस 2k कैरेट। तो ये स्टूडेंट्स आपको सॉल्व करना है, और इसका आंसर जो है स्टूडेंट्स मैं दे देता हूँ 3/√2 है। केयरफुली सॉल्व कीजिएगा, मैं समझता हूँ कोई मिस्टेक नहीं होगी और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वेक्टर फॉर्म में सॉल्व हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स मैं कार्टिजन फॉर्म में जो है वो क्वेश्चन को ले रहा हूँ, तो कार्टिजन फॉर्म में क्वेश्चन लेकर के स्टूडेंट्स देखें। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, तो कैसे करके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कार्टिजन फॉर्म में फाइंड आउट किया जाएगा, क्वेश्चन फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर ये स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर लिखा है, यही शॉर्टेस्ट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस। क्या है, एक लाइन है x-3/1, y-5/-2, z-7/-2 एंड स्टूडेंट्स दूसरी लाइन गिवन है x+1/7 इक्वल टू y+1/-6 एंड z+1/1। तो स्टूडेंट्स अगर इस क्वेश्चन को आप
नहीं कार्टिजन फॉर्म में सॉल्व करना चाहते हैं तो ना कीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, इस लाइन को रिड्यूस कर लीजिएगा लैम्डा इक्वल टू लेकर के, और इसे रिड्यूस कर लीजिएगा वेक्टर फॉर्म में म्यू लेकर के, और ये रिड्यूस हो जाएंगे, और पीछे जैसे क्वेश्चन किया उस तरीके से ये क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स देखें, मैं इसे सॉल्व कर दे रहा हूँ, और इसका सलूशन क्या है स्टूडेंट्स देखें, आंसर है इसका स्टूडेंट्स देखें, मेरे पास x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन, और जेड माइनस जेड वन अपॉन सॉरी एल वन लिया था मैंने फॉर्मूले में, यहाँ एम वन लिया था और यहाँ एन वन लिया था, और दूसरी लाइन में लिया था वाई माइनस वाई टू अपॉन एल टू वाई माइनस वाई टू सॉरी ये स्टूडेंट्स यहाँ एक्स है, एक्स माइनस एक्स टू अपॉन एम टू, जेड माइनस जेड टू अपॉन एन टू। तो स्टूडेंट्स देखें, अगर ये गिवन है एक्स माइनस थ्री अपॉन वन, वाई माइनस फाइव अपॉन टू माइनस टू, एंड जेड माइनस सेवन अपॉन माइनस टू, लेकिन स्टूडेंट्स देखें ये इस फॉर्म में नहीं लिखी हुई है, तो इसे मैं लिख ले रहा हूँ, x प्लस पहले तो जैसा गिवन है वैसा उतार रहा हूँ, y प्लस वन अपॉन माइनस सिक्स इक्वल टू जेड प्लस वन अपॉन वन, इसे स्टूडेंट्स ये लिख दे रहा हूँ, अपॉन सेवन इक्वल टू y माइनस माइनस वन अपॉन माइनस सिक्स इक्वल टू जेड माइनस माइनस वन अपॉन वन। तो स्टूडेंट्स देखें ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है स्टूडेंट्स देखें, इस लाइन को सॉरी इस लाइन के लिए स्टूडेंट्स देखें फर्स्ट दे देता हूँ और इसे सेकंड बोल देता हूँ, तो यहाँ कंपेयर कर ले रहा हूँ इससे, कंपेयरिंग लाइंस फर्स्ट एंड सेकंड, एंड सेकंड y किससे कंपेयर कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये यहाँ उतारना पड़ेगा, x माइनस एक्स वन अपॉन एल वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन एम वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन एन वन, एंड x माइनस एक्स टू अपॉन एल टू, वाई माइनस वाई टू अपॉन एम टू, एंड जेड माइनस जेड वन जेड टू अपॉन एन टू। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ जब कंपेयर करेंगे तो क्या वैल्यूज मिलेंगे मेरे को, देखें रेस्पेक्टिवली तो इस लाइन को फर्स्ट लाइन से कंपेयर कर रहे हैं, देखें एक्स वन इज थ्री, एक्स वन इज थ्री, बाई वन इज फाइव, बाई वन इज फाइव, एंड जेड वन इज सेवन, जेड वन इज सेवन। और स्टूडेंट्स देखें यहाँ कंपेयर, एल वन, एल वन है वन, एम वन माइनस टू, एंड एन वन माइनस टू, देखें एल वन इज वन, एम वन इज माइनस टू, एन वन इज माइनस टू। तो स्टूडेंट्स देखें लिख लेते हैं, एल वन इक्वल टू वन, एम वन माइनस टू, एंड एन वन इज माइनस टू। तो ये स्टूडेंट्स मैंने इस फर्स्ट लाइन को कंपेयर कर लिया, इससे सेकंड को कंपेयर कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स देखें माइनस एक्स टू, यहाँ एक्स टू क्या है, माइनस दिस एक्स टू इज दिस एक्स टू, एंड एक्स टू इज माइनस वन,
एंड बाई टू इज माइनस वन एंड जेड टू इज दिस जेड टू इज अगेन माइनस वन. सेवन इज एल टू माइनस सिक्स इज एम टू एंड वन इज एन टू. तो एल टू स्टूडेंट्स क्या हो गया, सेवन हो गया. देखें स्टूडेंट्स ये सेवन हो गया, एम टू माइनस सिक्स हो गया एंड एन टू इज वन हो गया. स्टूडेंट्स ये मैंने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया. स्टूडेंट्स देखें इसे रब कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन को भी रब कर दे रहा हूँ. ये स्टूडेंट्स देखिए मैंने रब कर दिया क्वेश्चन के लिए. अब मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लाइन जब कार्टिजन फॉर्म में दी हूँ तो स्टूडेंट्स मैंने जो लिखा था मैं थोड़ा सा नीचे लिख करके दिखा रहा हूँ. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये फॉर्मूला पहले लिख लेने से स्टूडेंट्स ये वैल्यूज फाइंड आउट करके डायरेक्ट पुट कर देंगे. तो सबसे पहले मेरे पास था ये डिटर्मिनेंट है और डिटर्मिनेंट था एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन बाई टू माइनस बाई वन एंड जेड टू माइनस जेड वन. और स्टूडेंट्स मेरे पास एल वन एम वन एन वन एल टू एम टू एन टू. फिर मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पर इसका मॉड भी लिया था, अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाए क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा तो ये पूरे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए नेगेटिव कर देगा अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाती है. तो इसलिए क्या कर दिया मैंने, एक मॉड लगा लिया अपॉन स्क्वायर रूट. इस पूरे पर मॉड इसलिए लेने आया क्योंकि स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है. तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास में फॉर्मूला लिखा था मैंने, एम वन एन टू माइनस एम टू एन वन टू द होल पावर टू लिखा था. फिर मैंने स्टूडेंट से लिखा था प्लस एन वन एन टू प्लस एन वन एल टू माइनस एन टू एल वन टू द होल पावर टू प्लस. अब स्टूडेंट से देखें एम वन एल वन एम टू लिखा था, एल वन एम टू माइनस एल टू एम वन शुरुआत में दिया था मैंने स्टूडेंट, ये इसी के अंदर है ये पोर्शन. अब मैं देखे इसके लिए क्या कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ, ये निकाल रहा हूँ मैं डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ. देखें स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू इज माइनस वन तो माइनस वन माइनस थ्री, बाई टू माइनस वाई वन, बाई टू इज माइनस वन, माइनस वन माइनस फाइव. तो स्टूडेंट डायरेक्ट सिंप्लीफाई करके लिख दे रहा हूँ, माइनस फोर हो गया ये, बाई टू माइनस वन माइनस फाइव विल बी माइनस सिक्स एंड जेड टू माइनस वन सेवन. चलो लिख दे रहा हूँ स्टूडेंट, आप कन्फ्यूज ना हो कि ये मैंने डायरेक्ट कहाँ से लिख दिया, माइनस वन माइनस थ्री, माइनस वन माइनस थ्री, फिर बाई टू माइनस बाई वन, ये बाई टू इज माइनस वन माइनस फाइव एंड इसके बाद है जेड टू इज माइनस वन एंड जेड वन इज सेवन, माइनस वन माइनस सेवन, एल वन वन माइनस टू माइनस टू. और स्टूडेंट्स देखें एल वन एम वन एन वन की वैल्यू पुट कर दी मैंने, वन माइनस टू माइनस टू, एल टू की वैल्यू है सेवन, यहाँ से देखें एम टू इज माइनस सिक्स एंड एल टू इज वन. ये स्टूडेंट्स मैंने सिंपलीफाई कर ले रहा हूँ.
ये माइनस फोर, ये माइनस सिक्स, माइनस एट, वन माइनस टू, माइनस टू, सेवन माइनस सिक्स, वन। आगे इसे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, देखें स्टूडेंट्स, ये मैंने क्या लिख दिया, माइनस फोर। अब ये इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन माइनस टू, माइनस फार्मूले में इसकी इसकी मल्टीप्लिकेशन प्लस ट्वेल्व, माइनस फार्मूले में है ये माइनस सिक्स, ब्रैकेट वन की वन से मल्टीप्लिकेशन की वन, और वन की माइनस टू से मल्टीप्लिकेशन की माइनस फोर्टीन आएगा, और फार्मूले में माइनस था तो ये प्लस फोर्टीन हो गया स्टूडेंट्स। प्लस फार्मूले में है लेकिन माइनस एट है, ये इस तरीके से लिखते हैं स्टूडेंट्स। देखें आप किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, वन की, और ये सही की है मैंने। अब किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे माइनस सिक्स, और इसकी इसकी मल्टीप्लिकेशन माइनस फोर्टीन आएगा, माइनस फार्मूले में था तो प्लस फोर्टीन हो गया स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं, माइनस फोर इंटू माइनस फोर्टीन, ये माइनस माइनस स्टूडेंट्स क्या हो गया, प्लस हो गया, और यहाँ देखें ये फिफ्टीन हो गया स्टूडेंट्स। देखें माइनस एट हुआ और ये स्टूडेंट्स क्या हो गया, एट हो गया। यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं, फिफ्टी सिक्स, और ये स्टूडेंट फिफ्टीन सिक्स आर नाइनटीन, माइनस सिक्सटी फोर। तो स्टूडेंट्स देखें इसे इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, जी सिक्स, सिक्स नाइन में फाइव ऐड करा फोर्टीन, माइनस सिक्सटी फोर। स्टूडेंट्स इसे सिंप्लीफाई किया, टू और ये फोर्टीन है, एट बचा स्टूडेंट्स। ये इस प्रकार से स्टूडेंट्स क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली स्टूडेंट्स। अब मैं क्या कर ले रहा हूँ, इस वैल्यू को फाइंड आउट कर ले रहा हूँ। तो ये स्टूडेंट्स वैल्यू मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, कहाँ लिख ले रहा हूँ, ये जो वैल्यू आई मेरे पास में, क्योंकि जगह ना होने की वजह से मैं इसे क्या लिख ले रहा हूँ, ये 82 है। आप मत लिखिएगा ऐसा, क्योंकि मैं तो अब इसे रब कर दूंगा, तो रब कर देता हूँ। देखें स्टूडेंट्स, चलो नीचे की लाइन रहने दूंगा ताकि वैल्यू मेरे पास रहे। देखें स्टूडेंट्स, अब मेरे लिए क्या निकालना है, ये निकालना है। तो मैं एम वन एन टू माइनस एम टू एन वन होल स्क्वायर प्लस एन वन एल टू माइनस एन टू एल वन होल स्क्वायर प्लस एन वन एम टू माइनस एल टू एम वन होल स्क्वायर, ये स्टूडेंट्स वैल्यू निकालनी है मेरे लिए इसकी। तो मैं यहाँ वैल्यूज़ रख रहा हूँ, ये यहाँ से मेरे पास में वैल्यूज़ गिवन है। देखें जगह ना है स्टूडेंट्स आगे, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। देखें ये लिखा है M1 M2, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके रख दे रहा हूँ, M1 M2 इसकी मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट्स क्या होगी, 12 हो जाएगी। तो या चाहो तो वैल्यू रख लो, माइनस टू इंटू माइनस सिक्स, एम वन एम टू की वैल्यू रख ली, सॉरी स्टूडेंट्स एन टू की वैल्यू है, एम वन के साथ में एन टू की वैल्यू, ये वन है स्टूडेंट्स, माइनस एन टू एन वन, एन टू एन टू इज वन, सॉरी एम टू एम टू इज माइनस सिक्स, माइनस सिक्स। टाइम लग रहा है स्टूडेंट्स, पूरा डायरेक्ट ही कर देते हैं। देखें एम वन एन टू, एम वन और एन टू की मल्टीप्लिकेशन माइनस टू होगी, माइनस टू
माइनस फॉर्मूले में है एम टू एन वन, एम टू इज दिस और एन वन इज दिस। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट्स क्या होगी 12 हो जाएगी, फॉर्मूले में माइनस था तो ये होल स्क्वायर प्लस। अब स्टूडेंट्स एन वन एल टू, एन वन एल टू ये मेरे पास क्या आई माइनस 14 आई, मल्टीप्लिकेशन माइनस फॉर्मूले में है एन टू एन टू एन टू इज वन एंड एल वन ये वन, तो वन की वन से मल्टीप्लिकेशन हुई वन ही आया होल स्क्वायर प्लस एल वन एम टू, एल वन एम टू माइनस 6 होगा स्टूडेंट्स माइनस एल टू एम वन एम वन एल टू इज 7 एंड एम वन इज माइनस 7, तो ये माइनस 14 हुई और माइनस फॉर्मूले में था तो ये प्लस 14 हो गया होल स्क्वायर इक्वल टू ये माइनस 14 का होल स्क्वायर 196 प्लस 15 का होल स्क्वायर 225। और ये स्टूडेंट्स मैंने माइनस किया तो 8 आया, 8 का स्क्वायर 64। देखें 9 और 6 15, 15 6 टू 8, 8 और 9 17 और 1 18, 2 और 1 3, 3 और 1 4 ये आया स्टूडेंट्स मेरे पास में। तो देखें फिर से देख लेते हैं 6 5 11 और 4 15 कैरी 1 7 और 2 9, 9 और 9 18 कैरी 1 3 4 ये आ गया। तो स्टूडेंट्स देखें मैंने इसकी भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स देयरफोर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू मॉडुलस ऑफ दिस 82, ये वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ मैं इस फॉर्मूले में, लिख दो चाहो तो पुटिंग वैल्यूज इन फर्स्ट, ये फर्स्ट मान ले रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स, इस फर्स्ट में पुट कर दे रहा हूँ अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 485। तो ये स्टूडेंट्स 82 आया और ये स्क्वायर रूट ऑफ 485 आया। 485 को और सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं कि क्या ये और शॉर्ट हो सकती है, तो देखें आगे सिंप्लीफाई कर लीजिएगा स्टूडेंट्स अगर हो रहा है तो। ये स्टूडेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मैंने क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है। अब स्टूडेंट्स देखें एक नई चीज़ इसमें और बताने जा रहा हूँ, इस पर भी बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन आते हैं। देखें यहाँ स्टूडेंट्स जैसे एक लाइन गिवन है, ऐसे रफली समझे एक लाइन गिवन है और एक कोई पॉइंट गिवन है, इसके कोऑर्डिनेट गिवन है, क्या गिवन है कोऑर्डिनेट्स गिवन है स्टूडेंट्स। तो ये कह रहा कि इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिएगा। पहले तो ये एक क्वेश्चन है, ये टाइप हो गया अलग स्टूडेंट्स देखें, तो मैं पहले इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ फिर इसके बाद एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। देखा अ लाइन पासिस थ्रू टू देखें स्टूडेंट्स क्वेश्चन
परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट। ये यहाँ पर इसके लिए क्या कर सकते हैं, हेडिंग दे सकते हैं। ये क्वेश्चन ना उतारे, ये हेडिंग है, इसके नीचे क्वेश्चन उतारे। अब मैं क्वेश्चन में ही यही लैंग्वेज यूज कर ले रहा हूँ। देखें क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मैंने और बढ़ा लिया, जितना ये कह रहा है उससे भी ज़्यादा बढ़ा लिया। फाइंड इमेज ऑफ पॉइंट वन सिक्स थ्री इन द लाइन, इन द लाइन एक्स अपॉन वन वाई माइनस वन अपॉन टू एंड जेड माइनस टू अपॉन थ्री। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन हुआ, और क्या कह रहा हूँ इसमें, फाइंड इक्वेशन, फाइंड एंड फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग गिवन पॉइंट एंड इट्स इमेज, इट्स इमेज। अभी देखें बड़ा बहुत अच्छा समझ में आएगा क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स ये जो लाइन गिवन है वो देखें क्या है, इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन एक्स अपॉन वन इक्वल टू वाई माइनस वन अपॉन टू इक्वल टू जेड माइनस टू अपॉन थ्री। इसे स्टूडेंट्स मैंने लैम्डा ले लिया, और यहाँ से मैंने सिंपलीफाई करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, एक्स इक्वल टू लैम्डा। स्टूडेंट्स यहाँ सिंपलीफाई की, देखो वाई ये आएगा वाई माइनस वन इक्वल टू टू लैम्डा, और इस वन को इधर ले जाओ तो टू लैम्डा प्लस वन। और स्टूडेंट्स देखें इसे और इसे सॉल्व करें तो जेड इजिकल टू थ्री लैम्डा प्लस टू। तो ये स्टूडेंट्स आर्बिट्रेरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर्बिट्रेरी पॉइंट, आर्बिट्रेरी पॉइंट। इस आर्बिट्रेरी पॉइंट को स्टूडेंट्स मैंने एम नाम दे दिया, ये एम कह दिया, और क्या कोऑर्डिनेट बोल दिए, एक्स कोऑर्डिनेट लैम्डा, वाई कोऑर्डिनेट विल बी टू लैम्डा प्लस वन एंड जेड कोऑर्डिनेट विल बी थ्री लैम्डा प्लस टू। ये ले लिया स्टूडेंट्स, तो मेरे कोऑर्डिनेट मिल गए इस पॉइंट के। देखें स्टूडेंट्स क्या कोऑर्डिनेट मिले, लैम्डा टू लैम्डा प्लस वन एंड थ्री लैम्डा प्लस टू, और पॉइंट क्या गिवन था, वन सिक्स और थ्री, ये पॉइंट गिवन था स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, फाइंड इमेज ऑफ पॉइंट दिस इन द लाइन दिस, तो इसकी इमेज फाइंड आउट करने को कह रहा है। तो स्टूडेंट्स इमेज इसकी इसी को मैं प्रोड्यूस कर दूं, और जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये ले लूं, तो ये स्टूडेंट्स देखें इस पॉइंट की इमेज हो जाएगी। तो मैंने इसे स्टूडेंट्स क्यू ले लिया, तो क्यू के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो स्टूडेंट्स देखें सबसे पहले
इस पॉइंट M के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। तो देखें M के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स। तो M के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, देखें मैं आपके लिए जो चीज़ इसमें यूज होगी वो थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। देखें ये पॉइंट लिखे रहने दो, लिख लिए हैं पॉइंट, फिर चलो रब कर देता हूँ। तो ये स्टूडेंट्स देखें क्या यूज होगा यहाँ पर, वो मैं क्या कर ले रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको। अगर स्टूडेंट्स देखिए टू पॉइंट्स गिवन है, इसका कोऑर्डिनेट पता है एक्स वन वाई वन जेड वन, और इसका कोऑर्डिनेट एक्स टू वाई टू जेड टू है। तो डायरेक्शन जो रेशियोज होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज जो होते हैं स्टूडेंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन एंड जेड टू माइनस जेड वन से फाइंड आउट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ये डायरेक्शन क्या निकालते हैं, रेशियोज निकालते हैं। तो मैं इस पॉइंट का, ये पॉइंट मैं सपोज कर लीजिएगा एल ले लिया तो एल और एम पॉइंट के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लूं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एल एम, एल एम, एल एम। तो स्टूडेंट्स देखें डायरेक्शन रेशियोज मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ एल एम के, तो क्या होंगे, दिस माइनस दिस, लैम्डा माइनस वन, टू लैम्डा प्लस वन माइनस सिक्स, और थ्री लैम्डा प्लस टू, थ्री लैम्डा प्लस टू माइनस थ्री, और इसी को सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, लैम्डा माइनस वन, टू लैम्डा माइनस फाइव, और थ्री लैम्डा माइनस वन। तो स्टूडेंट्स देखें इसके डायरेक्शन जो है वो क्या निकल आए, ये निकाल लिए मैंने डायरेक्शन रेशियोस। अब यहाँ पर मेरे लिए लाइन क्या गिवन थी स्टूडेंट्स, लाइन गिवन थी, देखें लाइन गिवन थी एक्स अपॉन वन, वाई माइनस वन अपॉन टू, जेड माइनस टू अपॉन थ्री। तो स्टूडेंट्स देखें ये वन टू थ्री जो ये लाइन है इसके पैरेलल जो वेक्टर होगा, बी वेक्टर जिसे लेते थे उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं आई कैरेट प्लस टू जे कैरेट प्लस थ्री के कैरेट। स्टूडेंट्स देखें ये हैं, अगर दो लाइनें कैसी हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है स्टूडेंट। वन ए टू ए थ्री और ए वन सॉरी बी वन एंड सी वन, और दूसरे के डायरेक्शन रेशियोज हैं ए टू बी टू और सी थ्रू। तो ये और ये डायरेक्शन रेशियो जिन लाइन के हैं वो अगर परपेंडिकुलर हैं तो क्या होगा, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू, ये सी टू है स्टूडेंट्स,
विल बी जीरो। तो ये कंडीशन है, ये वेक्टर में मैं आपके लिए दूंगा। तो देखें स्टूडेंट्स, यही कंडीशन मैं क्या कर ले रहा हूँ, यहाँ अप्लाई कर ले रहा हूँ। तो डायरेक्शन रेशियोज मेरे पास में जो लाइन थी, लाइन क्या थी स्टूडेंट्स, एक्स अपॉन वन इजिकल टू वाई माइनस टू अपॉन टू जेड माइनस टू अपॉन थ्री। तो वन टू और थ्री ये डायरेक्शन रेशियोज हैं इस वेक्टर के। तो देखिए एल एम एंड गिवन लाइन विल बी परपेंडिकुलर, देयरफोर ये परपेंडिकुलर है। तो लैम्डा माइनस वन की वन से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, लैम्डा माइनस वन की वन से मल्टीप्लीकेशन प्लस टू लैम्डा माइनस फाइव की इस टू से मल्टीप्लाई कर दें प्लस थ्री लैम्डा माइनस वन की इस थ्री से मल्टीप्लाई कर दें। और ये स्टूडेंट्स देखें इनका सम जो है वो जीरो आएगा। मल्टीप्लाई करते हैं, लैम्डा माइनस वन प्लस फोर लैम्डा माइनस टेन प्लस नाइन लैम्डा माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। ये स्टूडेंट्स देखें लैम्डा फाइव लैम्डा और ये मेरे पास में फोर्टीन लैम्डा। और ये स्टूडेंट्स देखें माइनस वन माइनस टेन माइनस इलेवन हो गया और ये माइनस फोर्टीन इक्वल टू जीरो। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ लैम्डा इक्वल टू वन आ गया मेरे पास। देयरफोर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी सॉरी एम है ये स्टूडेंट्स देखें एम के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, लैम्डा लैम्डा की जगह स्टूडेंट्स क्या रख दूँ वन कॉमा टू लैम्डा टू इंटू वन प्लस वन थ्री लैम्डा थ्री इंटू वन प्लस टू और क्या लिख दूँ वन, ये सिंप्लीफाई करा थ्री और ये स्टूडेंट सिंप्लीफाई करा फाइव। तो इस प्रकार से मेरे पास में क्या आ गए कोऑर्डिनेट्स आ गए इस एम पॉइंट के, इस एम पॉइंट के क्या आ गए कोऑर्डिनेट्स आ गए। एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट अब क्या होगा स्टूडेंट्स देखें वन थ्री और फाइव ये एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए स्टूडेंट्स। और देखें अब स्टूडेंट्स देखें ये जो M पॉइंट कोऑर्डिनेट आ गए, अब यहाँ ये जो Q पॉइंट है ये L पॉइंट की इमेज है, इट मीन्स M इज द मिड पॉइंट। लेट पॉइंट Q बी इमेज ऑफ L, देयरफोर therefore point M will be midpoint। और देखें स्टूडेंट्स इसके कोऑर्डिनेट मैंने x y z ले लिए। तो कैसे फाइंड आउट करें, वन इक्वल टू दिस प्लस दिस अपॉन टू, डेट एम्प्लाइज एक्स प्लस वन इक्वल टू टू, डेट एम्प्लाइज एक्स इक्वल टू वन, एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। अब स्टूडेंट्स देखें वाई कोऑर्डिनेट निकालें, थ्री इक्वल टू मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट इक्वल टू एक्सट्रीम पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स के सम का हाफ वाई प्लस सिक्स अपॉन टू, डेट एम्प्लाइज वाई इक्वल टू स्टूडेंट्स देखें ये सिक्स होगा y प्लस सिक्स इक्वल टू सिक्स और ये स्टूडेंट्स मेरे लिए y इक्वल टू जीरो मिल गया।
क्या मिल गया, जीरो। अब यहाँ स्टूडेंट से देखें, जेड प्लस थ्री विल बी इक्वल टू फाइव, फाइव इक्वल टू जेड प्लस थ्री अपॉन टू, डैट एम्प्लाइज जेड प्लस थ्री इक्वल टू टेन, जेड इक्वल टू माइनस सॉरी प्लस सेवन। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू क्या हो गए, वन जीरो एंड सेवन, विच इज इमेज ऑफ एल वन सिक्स थ्री। ये स्टूडेंट्स मेरे पास में कोऑर्डिनेट मैंने फाइंड आउट कर लिए, क्या कर लिए, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिए इसके वन सिक्स थ्री। अब स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चन ये था कि इस लाइन की इक्वेशन भी फाइंड आउट कीजिएगा। स्टूडेंट्स देखें, मैं ज़रा अपना माइक की बैटरी चेक कर लूँ कि बैटरी कहीं ख़त्म तो नहीं हो गई, चल रही है बैटरी, चल रही है बैटरी, माइक की बैटरी चल रही है। तो देखें माइक की बैटरी चल रही है, और क्योंकि काफ़ी टाइम होने जा रहा है वीडियो को, तो कहीं ऐसा ना हो बनाता ही चला जाऊँ वीडियो और जो है बैटरी ख़त्म हो जाए, मेरे को दोबारा से एडिट करनी पड़े। तो ये लाइन जो आई L और M से पास जो होगी लाइन तो स्टूडेंट्स ये होगी, एक्सट्रीम करेंगे सॉरी इसे प्रोड्यूस करेंगे इन बोथ साइड्स, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू वन सिक्स थ्री एंड क्यू वन सॉरी वन जीरो सेवन आया। स्टूडेंट्स यहाँ देखे वन जीरो सेवन। तो स्टूडेंट्स देखें, अगर किसी लाइन पर दो पॉइंट गिवन हो एक्स वन वाई वन जेड वन और एक्स टू वाई टू जेड टू, तो लाइन की इक्वेशन x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन बाई माइनस बाई वन अपॉन बाई टू माइनस बाई वन इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। स्टूडेंट्स किसी को भी x1 y1 ले लीजिएगा, इसमें से x1 y1 z1 x2 y2 z2, अगर x1 y1 z1 इसे ले रहे हैं तो इसे x2 y2 z2 ले लीजिएगा। इस इक्वेशन में स्टूडेंट्स क्या पुट कर दे रहा हूँ वैल्यू, मैंने स्टूडेंट्स x1 y1 z1 इसे ले लिया, वन अपॉन वन माइनस वन, वन माइनस वन इक्वल टू जेड माइनस सिक्स अपॉन स्टूडेंट्स जीरो माइनस सिक्स, जीरो माइनस सिक्स इक्वल टू सॉरी यहाँ स्टूडेंट्स बाई है, बाई बाई तो है बाई माइनस बाई वन एंड जेड माइनस जेड, जेड माइनस जेड वन, जेड माइनस जेड वन, जेड वन इज थ्री अपॉन सेवन माइनस थ्री। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्स माइनस वन अपॉन जीरो, वाई माइनस सिक्स अपॉन माइनस सिक्स, जेड माइनस थ्री अपॉन फोर। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन क्या कर दिया है, मैंने सॉल्व कर दिया है। आपको मैंने जब शुरू में बताया था तो क्वेश्चन सिर्फ यहाँ तक आ सकता है कि फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 163 फ्रॉम द लाइन। तो लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए स्टूडेंट्स, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए आपको 3 और 5 जो M के कोऑर्डिनेट निकाले वहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, और उसके बाद फिर डिस्टेंस फार्मूला लगा करके LM का डिस्टेंस फार्मूला, LM का क्या हो जाएगा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन होल स्क्वायर।
इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये फार्मूला लगा करके ये वो क्वेश्चन को आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो मैं समझ रहा हूँ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ करके जाइएगा। और स्टूडेंट्स देखते हैं, एक क्वेश्चन मैं स्टूडेंट्स और ले रहा हूँ, और ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स देखें, और क्या इसमें यूज होगा वो मैं इसी समय जब क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करूँगा उस समय बताऊँगा। अ लाइन पासिस थ्रू टू माइनस वन थ्री एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन्स आर वेक्टर इक्वल टू आई कैरेट प्लस जे कैरेट माइनस के कैरेट प्लस लैम्डा टू आई कैरेट माइनस टू जे कैरेट प्लस के कैरेट। और स्टूडेंट्स दूसरी लाइन गिवन है आर वेक्टर इक्वल टू टू आई कैरेट माइनस जे कैरेट माइनस थ्री के कैरेट प्लस म्यू आई कैरेट प्लस टू जे कैरेट प्लस टू के कैरेट। ये स्टूडेंट्स मेरे लिए ये यहाँ पर स्टूडेंट्स आई कैरेट है, देखें यहाँ ये मैंने लाइन की इक्वेशन ले ली दोनों लाइंस की। तो स्टूडेंट्स देखें कि ये लाइन और ये लाइन, जैसे सपोज करें ये लाइन ये है, इसके एक पैरेलल वेक्टर होगा और एक लाइन ये है स्टूडेंट्स दूसरी, ये वाली लाइन मैंने स्टूडेंट्स ये ले ली एल वन बोल दिया, और ये वाली लाइन स्टूडेंट्स मैंने ये बोल दी, इसके पैरेलल भी एक वेक्टर गिवन होगा, ये बी वन वेक्टर बोल दिया और ये स्टूडेंट्स बी टू वेक्टर बोल दिया। तो स्टूडेंट्स देखें सॉल्व कर रहा हूँ तभी समझाता हूँ, इक्वेशन ऑफ गिवन लाइंस आर वेक्टर इक्वल टू आई कैरेट प्लस जे कैरेट माइनस के कैरेट प्लस लैम्डा टू आई कैरेट माइनस टू जे कैरेट प्लस के कैरेट। एंड दूसरी लाइन गिवन है टू आई कैरेट माइनस जे कैरेट माइनस थ्री के कैरेट प्लस म्यू ऑफ आई कैरेट प्लस टू जे कैरेट प्लस टू के कैरेट। स्टूडेंट्स लगता है इसकी इंक ख़त्म हो गई है, दूसरा पेन यूज कर ले रहा हूँ मैं, देखें। तो स्टूडेंट्स देखें इसे फर्स्ट बोल दूँ और इसे सेकंड ले लूँ, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड विद आर वेक्टर इक्वल टू ए वन वेक्टर प्लस लैम्डा बी वन वेक्टर एंड आर वेक्टर इक्वल टू ए टू वेक्टर प्लस म्यू बी टू वेक्टर। वही लैम्डा और म्यू लिए क्योंकि लैम्डा और म्यू गिवन है, लैम्डा और म्यू। तो स्टूडेंट्स देखें लैम्डा का कोफिशिएंट क्या है, टू आई कैरेट माइनस टू जे कैरेट प्लस के कैरेट, और म्यू का कोफिशिएंट ये स्टूडेंट्स देखें लैम्डा का कोफिशिएंट बी वन वैक्टर हो गया और म्यू का कोफिशिएंट बी टू वैक्टर। तो बी टू वैक्टर इज आई कैरेट प्लस टू जे कैरेट प्लस टू के कैरेट। अब स्टूडेंट्स देखें मैं क्या कर दूं, अगर मैं इसकी क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लूं बी वन की और बी टू की, तो स्टूडेंट्स देखें मैं क्या कर रहा हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ इनकी, और क्रॉस प्रोडक्ट निकाल करके देखते हैं स्टूडेंट्स क्या होता है आगे।
तभी मैं आगे समझाता हूँ। बी वन क्रॉस बी टू वैक्टर निकालना हो, बी वन वैक्टर क्रॉस बी टू वैक्टर का जो है वो वैक्टर निकालना हो, तो ये स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट मेथड से सिंप्लीफाई किया जाता है। देखें, आई कैरेट जे कैरेट के कैरेट, आई का कोफिशिएंट माइनस टू वन वन टू एंड टू इक्वल टू, इसे सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स। देखें, आई माइनस टू की टू से मल्टीप्लाई हुई माइनस फोर, माइनस फार्मूले में टू की वन से हुई टू माइनस फार्मूले में, जे कैरेट इसकी से मल्टीप्लीकेशन हुई फोर माइनस फार्मूले में वन प्लस के कैरेट। स्टूडेंट्स देखें, के कैरेट टू की टू से मल्टीप्लाई हुई फोर माइनस फार्मूले में वन की माइनस टू से मल्टीप्लाई हुई माइनस टू, दिस विल बी टू एंड माइनस सिक्स आई कैरेट, ये माइनस थ्री जे कैरेट एंड दिस विल बी सिक्स के कैरेट। तो स्टूडेंट्स देखें, मैंने बी वन क्रॉस बी टू वेक्टर निकाल लिया। अब देखें, क्वेश्चन खत्म होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है खत्म, और क्वेश्चन जो कह रहा है वो मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन कह रहा था कि एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट, जैसे मैंने पॉइंट एज्यूम कर लिया, ये है पॉइंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट टू माइनस वन थ्री हैं, तो इस पॉइंट से जो है वो पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकालें। तो स्टूडेंट्स देखिए, इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन ये हो गई, ये पॉइंट हो गया, लेकिन मेरे पास में पैरेलल वेक्टर तो था ही नहीं। तो स्टूडेंट्स देखें, मैंने इसकी और इसकी क्रॉस प्रोडक्ट ली, क्रॉस प्रोडक्ट से मेरे लिए एक पैरेलल वेक्टर आ गया, ये पैरेलल वेक्टर आ गया स्टूडेंट्स। तो ये पैरेलल वेक्टर इस लाइन के लिए जो रिक्वायर्ड लाइन है उसके लिए पैरेलल वेक्टर की तरह वर्क करेगा, बी वन क्रॉस बी टू का, बी वन वेक्टर और बी टू वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो। तो स्टूडेंट्स देखें, इसे मैं बी वेक्टर भी एज्यूम कर ले रहा हूँ, तो बी वेक्टर मैंने एज्यूम कर लिया। तो स्टूडेंट्स देखें, इक्वेशन ऑफ लाइन लाइन पासिस थ्रू टू माइनस वन थ्री एंड पैरेलल टू बी वेक्टर। स्टूडेंट्स देखें, मुझे इस लाइन पर एक फिक्स्ड पॉइंट दिया हुआ है टू माइनस वन थ्री, तो कोऑर्डिनेट, सॉरी कोऑर्डिनेट ना लिख करके इसके लिए लिखेंगे पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट, तो फिक्स्ड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर स्टूडेंट्स मैंने ए वेक्टर लेते थे, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू टू आई कैरेट माइनस जे कैरेट प्लस थ्री के कैरेट। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या थी, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो स्टूडेंट्स देखें, ए वेक्टर इज दिस टू आई कैरेट माइनस जे कैरेट प्लस थ्री के कैरेट प्लस लैम्डा, बी वेक्टर इज बी वेक्टर स्टूडेंट्स ये कैलकुलेट किया है माइनस सिक्स आई कैरेट माइनस थ्री जे कैरेट प्लस सिक्स के कैरेट। अब स्टूडेंट्स देखें, ये भी आंसर हो गया, इसको क्या कर सकते हैं, टू आई कैरेट माइनस जे कैरेट प्लस थ्री के कैरेट प्लस, यहाँ से कॉमन ले लिया थ्री, सपोज करो माइनस थ्री कॉमन ले लिया मैंने, लैम्डा था ये टू आई कैरेट प्लस जे कैरेट प्लस सॉरी माइनस टू के कैरेट। स्टूडेंट्स क्या कर दें, टू आई कैरेट
माइनस जे कैरेट प्लस थ्री के कैरेट, इसे मैं इतने को रिप्लेस कर दूं म्यू से, टू आई कैरेट प्लस जे कैरेट माइनस टू के कैरेट, वेयर म्यू इज इक्वल टू माइनस थ्री लैम्डा। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखें बैटरी चेक कर लेता हूँ मैं अपनी, बैटरी मेरी सही चल रही है माइक की या नहीं। तो अगर बैटरी चल रही है तो स्टूडेंट्स मेरी माइक की बैटरी चल रही है, मुझे इन्फॉर्मेशंस दी गई मेरे साथी द्वारा जो आपके साथ वीडियो बनाने में मेरी बड़ा कोऑपरेशन करते हैं। इनके भी एग्जामिनेशन है, ये MSc कर रहे हैं और फिजिक्स से, और काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं ये, और ये बुक भी लिख रहे हैं स्टूडेंट। देखें इस जरा से एज में ये क्या लिख रहे हैं, एक बुक लिख रहे हैं जो आप लोगों को इन फ्यूचर जो है वो देखें मार्केट में आएगी। एक क्वेश्चन मैं स्टूडेंट्स और ले रहा हूँ, इसके बाद इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। देखें स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या है, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट whose position vector is 2i carat minus j carat plus k carat and parallel to the line joining to the line joining line joining the points minus I plus 4j plus k carat and I carat plus 2j carat plus 2k carat. Also find Cartesian equation equivalent to this equation. देखें जल्दी सॉल्व करते हैं। ये लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। इस लाइन पर एक फिक्स्ड पॉइंट है, इस फिक्स्ड पॉइंट का इस ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर स्टूडेंट्स गिवन है। ये पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर लिया जाता है, सॉल्यूशन ए वेक्टर हियर क्या हो गया। देखें ये तो दिया, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट whose position vector is, देखें तो ये लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है जिसके पोजीशन वेक्टर ये हैं। तो पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर ले लिया मैंने स्टूडेंट्स, देखें 2i कैरेट माइनस j कैरेट प्लस k कैरेट, और ये लाइन एंड पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग। देखें स्टूडेंट्स ये जो है दो, मैं कह दूँ एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ये लाइन इस के पैरेलल है, इसके पोजीशन वेक्टर्स गिवन है स्टूडेंट्स, इसका पोजीशन वेक्टर है ये पॉइंट। मैं अगर एल कह दूं तो एल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर स्टूडेंट्स क्या गिवन है,
माइनस आई प्लस फोर जे प्लस के, ये गिवन है। और स्टूडेंट्स इस पॉइंट को मैं एम नाम दे दूं, इसके पोजीशन वेक्टर हैं आई कैरेट प्लस टू जे कैरेट प्लस टू के कैरेट, इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हो गए स्टूडेंट्स। देखें तो स्टूडेंट्स क्या करता हूं मैं, इसे बी वेक्टर ले ले रहा हूं। एल एम वेक्टर फाइंड आउट करूं, ये बी वेक्टर ले ले रहा हूं मैं स्टूडेंट्स। इसे मैंने एज्यूम कर लिया पोजीशन वेक्टर ऑफ एम माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ एल, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ एम इज आई कैरेट प्लस टू जे कैरेट प्लस टू के कैरेट माइनस इसके अकॉर्डिंग पोजीशन वेक्टर आई कैरेट माइनस आई कैरेट प्लस फोर जे कैरेट प्लस के कैरेट। स्टूडेंट्स देखें ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस आई हो जाएगा, प्लस आई टू आई हो गया, और ये स्टूडेंट्स देखें माइनस फोर जे ये प्लस टू जे तो माइनस टू जे आएगा, प्लस टू के और ये माइनस के तो प्लस के आएगा। तो स्टूडेंट्स देखें ये बी वेक्टर मिल गया। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू ए एंड पैरेलल टू बी वेक्टर, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। स्टूडेंट्स देखें ए वेक्टर मेरे पास क्या आया, ये है टू आई कैरेट माइनस जे कैरेट प्लस के कैरेट प्लस लैम्डा बी वेक्टर। बी वेक्टर टू आई कैरेट माइनस टू जे कैरेट प्लस के कैरेट। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स लाइन की इक्वेशन निकल गई। अब इसके लिए कार्टिजन फॉर्म में कन्वर्ट भी, ऑल्सो फाइंड कार्टिजन इक्वेशन इक्विवेलेंट टू दिस लाइन, मतलब इस लाइन के इक्विवेलेंट, मतलब इस लाइन को ही कार्टिजन फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो देखें स्टूडेंट्स जल्दी से रिड्यूस करके इसको क्वेश्चन को ख़त्म कर रहा हूँ और वीडियो ख़त्म होने जा रही है। अब देखें और बैटरी फिर से चेक करा ले रहा हूँ भाई, मैं बैटरी चल रही है। देखें पुटिंग आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैरेट प्लस वाई जे कैरेट प्लस जेड के कैरेट वाई, तो देखें एक्स आई कैरेट प्लस वाई जे कैरेट प्लस जेड के कैरेट। इन इसे इक्वेशन को मैं फर्स्ट बोल दे रहा हूँ, इन फर्स्ट। तो देखें स्टूडेंट्स लाइन दूसरा पेन ले ले रहा हूँ, तो आर वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी। ये स्टूडेंट्स देखें टू आई कैरेट माइनस जे कैरेट प्लस के कैरेट प्लस लैम्डा टू आई कैरेट माइनस टू जे कैरेट प्लस के कैरेट। यहाँ स्टूडेंट्स देखें आई कैरेट ये टू प्लस टू लैम्डा प्लस जे कैरेट माइनस वन, और यहाँ स्टूडेंट्स देखें माइनस टू लैम्डा प्लस के कैरेट इक्वल टू, यहाँ कोफिशेंट वन है, यहाँ कोफिशेंट लैम्डा की जब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी लैम्डा हो जाएगा। इक्वेटिंग इक्वेटिंग कोफिशेंट्स ऑफ आई कैरेट जे कैरेट एंड के कैरेट के कोफिशेंट इक्वेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। इसे रब कर दे रहा हूँ, देखें आई कैरेट का कोफिशेंट एक्स और यहाँ टू प्लस टू लैम्डा, डेट एम्प्लाइज एक्स माइनस टू अपॉन टू इक्वल टू लैम्डा। यहाँ स्टूडेंट्स देखें बाई इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस टू लैम्डा
डेट एम्प्लाइज बाई प्लस वन अपॉन माइनस टू इक्वल टू लैम्डा। यहाँ देखें स्टूडेंट्स, जेड इक्वल टू यहाँ वन प्लस लैम्डा, डेट एम्प्लाइज जेड माइनस वन इक्वल टू लैम्डा, ये भी लैम्डा, ये भी लैम्डा, लैम्डा, तो एक्स माइनस टू अपॉन टू इक्वल टू बाई प्लस वन अपॉन माइनस इक्वल टू जेड माइनस वन अपॉन वन लिख सकते हैं, ना लिखें तो ऐसा ही लिखा रहने दीजिए, इक्वल टू लैम्डा। तो देखें स्टूडेंट्स, ये भी लैम्डा के इक्वल, ये भी लैम्डा के इक्वल, ये भी लैम्डा के इक्वल, तो लैम्डा को इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये चैप्टर मैंने क्या कर दिया है, दो वीडियोस में कंप्लीट कर दिया गया है। आप मेरी वीडियोस को खूब अच्छे तरीके से देखिएगा, और मैं समझता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन जो है इस मेथड पर बेस्ड हो सकता है, क्वेश्चन तो पूरा पूरा ऐसा ही हो ऐसा नहीं कहूँगा मैं, क्वेश्चन क्या हो सकता है, बेस्ड हो सकता है इन क्वेश्चंस पर, इससे पर बेस्ड क्वेश्चन के अलावा कोई क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच।